हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में कुछ बताऊंगी, क्योंकि आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास है इस चैनल पर, है ना। तो इस चैनल पर मैं आपको 11th 12th का केमिस्ट्री फुल कोर्स करवाऊंगी। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग अगर 11th में हैं या 12th में हैं, या JEE देना है आपको या नीट देना है, कुछ भी जिसको भी केमिस्ट्री के प्रिपरेशन करना है और बेसिक में कुछ प्रॉब्लम है, बेसिक नहीं समझ में आता है, तो उन लोग आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप अपने चैनल पे 11th 12th फुल कोर्स केमिस्ट्री का करवाऊँगी। तो चूँकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है बच्चे, तो आज हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूज होंगे, है ना। जैसे मैं अपने चैनल को आपसे इंट्रोड्यूस करूँगी कि इस चैनल, मैंने आपको जैसा बताया कि मेरे इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री का फुल क्लास मिलेगा, टोटल 11th 12th से बेस्ड जो होगा। ये चैनल जो है बच्चों, ये मेरे फादर को मैं डेडिकेट करती हूँ, उन्हें ही समर्पित करती हूँ इस चैनल को, और इस चैनल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि 11th 12th का फुल कोर्स होगा, तो केमिस्ट्री के लिए हम लोग, जैसे पहले तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि NCERT बुक को फॉलो करना है हम लोगों को, कि थ्योरी पढ़ना है, तो बेस क्या है हम लोगों का, NCERT, ठीक है। तो देखिए, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बच्चों कि NCERT में आपके पास, देखिए, दो बुक आते हैं, Volume 1 and Volume 2, ओके। Volume 1 और Volume 2 करके आता है हम लोगों का। देखिए, Volume 1 जो है 11th का Volume 1, यानी Part 1 उसको बोलते हैं। Part 1 में क्या क्या है, Unit 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ओके। फिर Unit 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नाम से आप लोग परिचित होंगे, Class 10 में भी ये पढ़ना था, ठीक है। Unit 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। Unit 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ओके। Unit 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर। Unit 6 थर्मोडायनामिक्स। Unit 7 इक्विलिब्रियम। तो देखिए, ये 7 यूनिट एक वॉल्यूम में है, यानी एक पार्ट केमिस्ट्री का बुक का है जिसमें ये 7 है। तो इसमें मैं आपको बता दूं बच्चों कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मिला जुला आपको दिखेगा, यानी इसमें कुछ फिजिकल का पार्ट होगा, फिर ऑर्गेनिक का होगा, कुछ इनऑर्गेनिक का पार्ट भी आपको इसमें दिख जाएगा। ये मतलब बेसिकली ये कहा जाए कि ये आपका पिछले क्लास में जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है 10th क्लास में, उसका एक रिवीजन टास्क है, ये एक पूर्ण मतलब रिवीजन कहिए इसको, रिवीजन करवाया जाएगा कि आप कितना याद है आपको और कितना भूल गए हैं, तो वो आप एक बारी सीखेंगे इसमें, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, अब ये देखिए, ये जो है ये इनऑर्गेनिक है ना, और इसको भी हम लोग इनऑर्गेनिक में रखते हैं, लेकिन इसको एक जनरल केमिस्ट्री है ये, यानी केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है, इसका यूज़ आपको जनरली हर एक जगह पड़ता है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री तो है ही ये, फिर इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक में भी है, इसलिए ये जनरल केमिस्ट्री का पार्ट है। बट हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि हम लोग इसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रखते हैं, बल्कि ये क्या है, एक तरह से जनरल केमिस्ट्री है। जनरल केमिस्ट्री मीन्स व्हाट, जिसको हर एक जगह इस्तेमाल करना पड़े, ऑर्गेनिक में भी आ जाए वो बात, इनऑर्गेनिक में भी आ जाए और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आ जाए, तो वो जनरल होता है। और स्टेट्स ऑफ मैटर, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ना, और ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये तीनों का तीनों क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, यानी इसको फिजिकल केमिस्ट्री बोल के हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसमें थ्योरी भी होता है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी होता है। तो पहले हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल को बनाते हैं, सीखते हैं बच्चों। तो ये हुआ एक Volume 1 का इंट्रोडक्शन। इसी का Volume 2 है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए सबसे पहले क्या है, Unit 8 है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए Unit 7 तक वहाँ मैंने आपको बता दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है आपका Unit 8 में, ये भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है इनऑर्गेनिक, Unit 9 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या है, Unit 10 द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जहाँ भी ग्रुप पीरियड्स या
ब्लॉक्स का बात हो जाए वहाँ आप समझ जाइए, एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी बात है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चला जाता है। इतना आप लोग समझिए इस चीज़ को कि एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ब्लॉक्स, पीरियड ग्रुप, कुछ भी ऐसा चर्चा किया जाए तो आप समझ जाएं कि वो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है ना। देखिए यूनिट 11 क्या है, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक भी किस में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाएगा। ये वॉल्यूम टू का, टू की बात हो रही है। नेक्स्ट दो बुक है आपके 11th में, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। ठीक है, अब इसमें जो रेस्ट यूनिट है वो देखिए, देखिए यहाँ ये यूनिट 12 है ना, यूनिट 12 है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। नाम ही लिख दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी यहाँ से शुरू हो गया क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सम बेसिक्स बातें बताई जाएंगी। स्पेशली इसमें बच्चों आपको मिलेगा क्या, कार्बन से रिलेटेड बात मिलेगा, जो आप लोग 10th में था ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके, ठीक है, उसी से जो मिला जुला आपको लगेगा पढ़ते वक्त, 10th में आपने पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ेंगे जब इसको, तो आपको लगेगा कि ये सब शब्द आपको जानकारी में है, बट अब थोड़ा लार्ज स्केल पे होगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 12। यूनिट 13 है हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन्स, इसी का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स तो ये हम लोग यूनिट 13 में पढ़ेंगे, और यूनिट 14 लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में के लिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इससे जब हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, जब जब मान लीजिए आप 12th का जब एग्जाम देंगे उस टाइम इससे बहुत सारा ऐसा होता है कि मस्ट है कि इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसलिए ये बहुत इग्नोर नहीं करते हैं इसको, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये, इसको पढ़ते हैं। तो यूनिट 14 कुल मिलाकर 11th क्लास में हम लोगों को 14 यूनिट्स पढ़ना है एनसीईआरटी बुक के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे 11th क्लास के लिए। अब बारी आती है क्लास 12th की, तो हम लोग देखते हैं 12th में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ये देखिए जिस तरह से क्लास 11th में 2 पार्ट था, उसी तरह से क्लास 12th के लिए भी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या, द सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 11th में क्या देखा था, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। यहाँ पे स्पेशली हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट को, यानी मैटर का जो 3 स्टेट होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस होता है ना, तो हम लोग यहाँ सॉलिड स्टेट को स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है, 12th क्लास में जाने पर। फिर यूनिट 2 है सॉल्यूशन, यूनिट 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स एंड यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। तो देखिए ये सारा जो पार्ट है वो आप रखेंगे किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब देखिए बच्चों ऐसा नहीं है कि आप मान लिया कि किसी और से कोई आप बात करते हैं तो वहाँ पे ये हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के अंदर रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल केमिस्ट्री है ये सब, सरफेस केमिस्ट्री भी जनरल केमिस्ट्री के कैटेगरी में आता है, कि मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो कि हर एक जगह इस्तेमाल हो। अब जैसे कोई मैथ का फॉर्मूला होता है, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला है a+b² तो क्या वो सिर्फ अलजेब्रा में ही यूज़ होता है, और कहीं यूज नहीं होता है, यूज होता है ना, तो उसी तरीके की बात है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रख के ही मैं इसे पढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं 3 केमिस्ट्री है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसलिए मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ही बांट रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट है यूनिट 6 क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यूनिट 7 है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पढ़ना, और आपको समझ पढ़ना है इसको। ठीक है, तो देखिए ये सारा का सारा किस में आ गया, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि जैसा ही मैंने बोला है पहले भी आपको कि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक इस टाइप का कुछ भी पीरियड से रिलेटेड कोई बात हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है वो, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो चलिए ऐसे भी जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगी बताना, मैं पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगी तो मैं बताऊँगी आपको कि यूनिट ये पढ़ा रही हूँ मैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री है या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया पार्ट 1 12th का, अब हम लोग पार्ट 2 12th में क्या पढ़ना है वो देखते हैं, है ना।
तो देखिए यहाँ यूनिट 9 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है, पीछे यूनिट 10 है हमारा हेलो एल्केन्स हेलो अरेन्स, ठीक है। यूनिट 11 है अल्कोहल अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड इथर्स। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में बच्चों, आप बस बने रहें मेरे साथ और आपको मैं इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगी केमिस्ट्री को ना कि आप भूलेंगे नहीं कभी केमिस्ट्री, ठीक है। तो एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड इथर्स। यूनिट 12 है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखिए बच्चों, नाम से इतना तो क्लियर हो ही गया कि ये सारा का सारा किस में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ये सारा किस में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे फिर यूनिट 13 भी जो है आपका एमीन्स है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बायो मॉलिक्यूल्स, अब देखिए आप कहेंगे बायो मॉलिक्यूल्स क्या है, ये भी आपका क्या है पार्ट, ऑर्गेनिक के अंदर का ही पार्ट है। तो इसको बायो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना हम लोग जैसे, है ना, आगे चल के जो जो लोग केमिस्ट्री में आगे भी पढ़ाई करते हैं, हायर लेवल का पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे और बढ़ जाता है केमिस्ट्री का पार्ट। तो उतना लंबा चौड़ा बात नहीं करना हम लोगों को, हम लोगों को अपने मतलब की बात करनी है क्या भाई। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बायो मॉलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, पॉलीमर्स ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट है, और लास्ट है हम लोगों का 16 यूनिट 16 क्या, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में जो आप केमिस्ट्री यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये जो हम लोग ड्रग्स है, जो भी हम लोग पढ़ाऊंगी मैं उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में बच्चों को आप इतना जानिए कि हम लोगों को इतना पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है, किस मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में बांट के पढ़ना है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 11th में भी हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली कितना यूनिट पढ़ना है, 14 यूनिट 11th में पढ़ना है और 16 यूनिट 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो जो लोग 11th के स्टूडेंट हैं वो 14 यूनिट के लिए तैयार हो जाएं, और जो लोग 12th के स्टूडेंट हैं वो 16 यूनिट के लिए तैयार हो जाएं। तो अगर आप लोगों को बच्चे पूरा नोट्स पूरी तैयारी करनी है, एक एक पार्ट पूरा थ्योरी विथ न्यूमेरिकल कुछ भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है उस तरीके से तैयारी करनी है, तो जुड़ जाइए फटाक से मेरे चैनल के साथ और बेल आइकन को दबा लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और तब बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरे साथ ऐसे जुड़ जाएँ कि पूरे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन क्लास अच्छा लगा हो, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।